देखिए शाहरुख खान के जवान से काफी सारी न्यूज आ गई है। कुछ न्यूज अच्छी है तो कुछ बहुत बुरी है। असल में भाई हमें लगता था इतने महीने से थालापति विजय सर इस जवान में पक्का होंगे ही। वो शाहरुख खान और एटली कुमार के बड़े अच्छे मित्र हैं, इसलिए उन्होंने कैमियो कर लिया होगा। लेकिन भाई आपको सुन के बुरा लगेगा, थालापति विजय सर ही पहले इंसान थे जिन्होंने जवान का इस 16 कैमियो को रिजेक्ट कर दिया था, और तभी उनके बाद अल्लू अर्जुन के पास पहुंचे थे मेकर्स उसी रोल के लिए। और कमाल की बात यह है, दोनों स्टारों ने एक ही बहाना दिया, भाई मेरे पास टाइम नहीं है इस कैमियो करने के लिए। मुझे नहीं समझ में आता है कैमियो करने में किसी को कितना समय लगता है, वो तो बस एक दिन में शूट हो जाएगा, बट तब भी दो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए मुझे लगता है ये जो केमियो रोल है वो पक्का रोलेक जैसा होगा, लास्ट में भी केमियो होगा और साथ में इसी के साथ जवान 2 का भी आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगा। फिर से शायद जवान 2 में लीड रोल में होंगे शाहरुख खान, और जो केमियो किया होगा पिछले में उसको एवरेज स्क्रीन टाइमिंग के साथ फिर से जवान 2 में भी काम करना पड़ जाएगा। और ये चीज इंडिया के मेगा स्टारों को सूट नहीं करता है, और वैसे भी आज के जमाने में एक हीरो मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकता है, बट मल्टीपल हीरो एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते, और इसी चक्कर में जवान को रिजेक्शन मिल रही है। खैर देखते हैं आगे जवान के साथ होता क्या है। भाई ऐसी खबर आ रही है जवान मेकर्स अल्लू अर्जुन के बाद रामचरण से बात करने का सोच रहे हैं, जब वो ऑस्कर से लौटेंगे तो उनको भी ऑफर दिया जाएगा इस कैमियो रोल के लिए। शायद मेरे हिसाब से ये मान जाए जवान के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी दो हीरो के साथ काम किया है RRR में NTR सर के साथ, और आज उसी दो हीरो के साथ काम करने का नतीजा है एक आम इंडियन फिल्म ग्लोबल फिल्म हो चुका है, और उसी कारण आज रामचरण NTR सर को ऑस्कर ने बुलाया है। उम्मीद करते हैं रामचरण हाँ बोल दे जवान के लिए। और वैसे आपको बता दो जवान का 90% शूटिंग कंप्लीट कर ली है एटली कुमार ने, और बाकी का शूटिंग केमियो के लिए रुका हुआ है। जब कोई स्टार फाइनल हो जाएगा तो अभी बाकी पोर्शन फटाक से कंप्लीट कर ही लेंगे जवान के मेकर्स। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।